हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेकेंड। स्टूडेंट्स, आर यू फीलिंग गुड? ओके, आई थिंक ऑल आर फीलिंग गुड एट होम। सो स्टूडेंट्स, व्हाट अबाउट योर स्टडी? हैव यू कंप्लीटेड स्टडीज एक्सरसाइज विच वॉज अबाउट योर क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर? किया आप लोगों ने? अगर नहीं किया होगा तो एनी हाउ आज कर लेंगे। आज वीडियो को प्ले करके ऑन करके इसके हेल्प से क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर लेंगे, बिकॉज नाउ यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन। क्लियर? ओके, तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन आंसर को। अब आप लोग को अपने एनुअल एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना है। So whatever exercises we all are sending to you all, you will have to complete in notebook and textbook both. Okay students, so I'm here with the same chapter 7, Black Beauty Saves His Master. So question answer are completed. It's time to move to the next exercise. For this I'm here thinking about the story. Let's try two exercise. ठीक है, तो चलिए पेज नंबर, लेट मी शो यू विच इज पेज नंबर 4 टुडे एंड व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज दिस। सी देयर, रीड दिस स्टेटमेंट्स एंड राइट एस इफ दे आर करेक्ट एंड नो इफ दे आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू रीड दिस स्टेटमेंट। आप सारे स्टेटमेंट्स को पहले रीड कीजिए एंड इफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये स्टेटमेंट अगर करेक्ट हैं, राइट हैं, सही हैं, अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स आर देयर, मीन्स वहाँ पर आप एस राइट करेंगे एंड इफ दी सेंटेंसेज आर रॉन्ग, दे आर नॉट विद द चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन, मीन्स नीड टू पुट और नीड टू राइट नो। ओके, नो ऑप्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, ब्लैक ब्यूटी वॉज रेस्क्यूड फ्रॉम अ क्रूएल ऑनर बाय मिस्टर गॉर्डन। ब्लैक ब्यूटी जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया था फ्रॉम अ क्रूएल ओनर, एंड हु वॉज द क्रूएल ओनर? बाय मिस्टर गॉर्डन। मिस्टर गॉर्डन के द्वारा ब्लैक ब्यूटी को एक क्रूएल ओनर से उनकी रेस्क्यू की गई थी। सो इट्स अ करेक्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, वी ऑल आर जस्ट रीड टू दिस इन दिस स्टोरी। सो यहाँ पे आप राइट करेंगे, क्या राइट करेंगे? यस, इट्स अ राइट आंसर। क्लियर? सो राइट इन दिस ब्लैंक एस। नेक्स्ट, मिस्टर गॉर्डन वॉज ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस। मिस्टर गॉर्डन वॉज ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस। मिस्टर गॉर्डन जो है बिजनेस के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं। यस, आपके बुक में दिया हुआ है ना, वो टाउन के ट्रैवलिंग कर रहे हैं या बिजनेस के ट्रैवलिंग कर रहे हैं। सो बोथ थिंग्स आर गिवन देयर। सो राइट देयर, यस। ओके, राइट देयर, यस, यस, राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेदर हैड बीन नाइस एंड सनी द नाइट बिफोर। When the Mr. Gordon, Black Beauty and John were traveling to the town or business, so weather was very nice and sunny day before, night before, no, that had rained heavily. बारिश हो रही थी ना, रैनी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा हैवली बिफोर द नाइट। तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है, ठीक है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग देयर, तो इसलिए हम यहाँ पे नो राइट करेंगे, ठीक है। कम ऑन नेक्स्ट, दे सा वाटर ऑन द ब्रिज एज दे वेंट ओवर इट। दे सा वाटर ऑन द ब्रिज, जैसे ही वो लोग मीन्स जो ट्रैवलिंग कर रहे थे, जैसे ही वो लोग ब्रिज के पास गए तो उन लोगों ने ब्रिज पे क्या देखा? वाटर देखा। येस, देर वॉज द वाटर। वाटर जो है वो सारे प्लेस को कवर किया हुआ था, कवर कर रहा था, मीन्स इट्स योर राइट स्टेटमेंट। सो राइट देयर, येस। नेक्स्ट, मिस्टर गॉर्डन डिसाइडेड टू कम बैक द सेम वे। मिस्टर गॉर्डन जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसी वे से क्या करेंगे, वापस आएंगे। तो आंसर क्या होगा? यस, क्योंकि जब वो लोग रोड को क्रॉस कर रहे थे, दे वर ट्राइंग टू कम बैक फ्रॉम द अनदर वे, सडनली ह्यूज ट्री हैज़ फॉलन डाउन अक्रॉस द रोड। सो आफ्टर दैट दे विल हैव टू टेक देयर प्रीवियस वे आर अर्लियर वे। आंसर हो जाएगा यस। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, पेज नंबर 4 ऑल्सो। कम विद मी।
टीचर ने लेट मी शो यू पेज नंबर 5। ठीक है, पेज नंबर 5। चलिए स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग। दे रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग, वो लोग नेक्स्ट मॉर्निंग को रिटर्न हुए, नेक्स्ट मॉर्निंग को रिटर्न हुए। आंसर विल बी नो, क्या हो जाएगा, नो। दे आर रिटर्निंग द सेम डे, ठीक है ना, सेम डे को वो लोग रिटर्न कर रहे हैं। आंसर नो। ब्लैक ब्यूटी वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड बाय द स्टॉर्म, ब्लैक ब्यूटी जो है वो स्टॉर्म से डरे हुए नहीं थे, वो डर नहीं रहे थे, फ्राइटेंड नहीं हो रहे थे, स्केयरिंग नहीं हो रहे थे स्टॉर्म से। सो व्हाट विल बी द आंसर, नो। ओके, नो, ही वॉज नॉट फ्राइटनिंग हर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेंसी है, ब्लैक ब्यूटी पुट हिज फुट ऑन द ब्रिज एंड न्यू दैट समथिंग वॉज रॉन्ग। ब्लैक ब्यूटी ने जैसे अपने फुट को ब्रिज पे पुट किया रखा एंड न्यू, और उनको वो जानते थे, उनको वो फाइंड आउट कर लिए थे दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, देर वॉज समथिंग रॉन्ग ऑन दैट ब्रिज। येस, इट्स योर राइट स्टेटमेंट, यहाँ राइट कर देंगे, येस। ठीक है, येस, यू विल राइट येस स्टेटमेंट। मिस्टर गॉर्डन वॉन्टेड ब्लैक ब्यूटी टू गो ऑन द ब्रिज बट ब्लैक ब्यूटी डिडंट क्रॉस द ब्रिज। मिस्टर गॉर्डन वॉन्टेड ब्लैक ब्यूटी टू गो, मिस्टर गॉर्डन जो है वो चाहते थे कि ब्लैक ब्यूटी, वो ब्लैक चाहते थे कि ब्लैक ब्यूटी जो है वो ब्रिज पे जाएं, बट ब्लैक ब्यूटी डिडंट क्रॉस द ब्रिज, बट ब्लैक ब्यूटी ने ब्रिज को क्रॉस नहीं किया। येस, इट्स राइट स्टेटमेंट। ठीक है, कैसा स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट है, तो राइट करेंगे, येस। द ब्रिज वॉज ब्रोकन, द ब्रिज वॉज ब्रोकन, येस, द ब्रिज वॉज ब्रोकन, दैट्स वाई दैट मैन वॉज सेइंग दैट टू गो नॉट टू डू नॉट गो मूव फॉरवर्ड। सो आंसर विल बी येस स्टेटमेंट। ब्लैक ब्यूटी सेव्ड मिस्टर गॉर्डन्स लाइफ, ब्लैक ब्यूटी ने मिस्टर गॉर्डन के लाइफ को सेव किया था। आंसर व्हाट विल बी आंसर, येस, उन्होंने गॉर्डन के लाइफ को सेव किया था। ठीक है, क्लियर, आप लोग भी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे अपने बुक में, यू हैव टू कंप्लीट इट इन बुक। ओके, नाउ लेट्स ट्राई थ्री एक्सरसाइजेस दिस। हाउ डिड ब्लैक ब्यूटी सेव मिस्टर गॉर्डन्स लाइफ, राइट योर सेंटेंस इन 4-5 लाइन्स इन योर नोटबुक। हाउ डिड ब्लैक ब्यूटी सेव मिस्टर गॉर्डन्स लाइफ, ब्लैक ब्यूटी ने मिस्टर गॉर्डन्स के लाइफ को कैसे सेव किया था। आपको उस स्टेटमेंट को और अपने सेंटेंस को राइट करना है विद इन 4-5 लाइन्स में, जिसको आप अपने नोटबुक में राइट करेंगे। यू कैन टेक द टेक्स्टबुक हेल्प ऑल्सो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द लास्ट पैसेज ऑफ दिस स्टोरी एंड देन राइट डाउन द राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, कम ऑन द नेक्स्ट फोनिक्स। अगेन वी हैव द नेक्स्ट साइज फोनिक्स, मीन्स वी विल गेट एनी वर्ड ऑफ द साउंड। एंड टुडे वी हैव द ब्लेंड TW, ब्लेंड TW लेटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। द लेटर टी स्टैंड बिफोर द W, लेटर जो टी है वो स्टैंड रहता है बिफोर द W, मीन्स बिफोर द W लेटर वी गेट वर्ड टी लेटर टू मेक अ न्यू वर्ड, फॉर मेकिंग अ न्यू वर्ड, एंड की हेल्प से हम न्यू वर्ड्स को बनाते हैं। TW विच यू हियर इन ट्वीट ट्वीट, TW जो आपका लेटर है जो कि आप सुन सकते हैं वर्ड में, ट्वीट ट्वीट मीन्स TW, देखिए दोनों की सेम, दोनों की साउंड आ रही है ना, दोनों वर्ड की, दोनों लेटर की साउंड आ रही है, टी की भी लेटर आ रही है, W की भी आ रही है, क्या हो जाएगा, ट्वीट ट्वीट। ठीक है, ट्वीट ट्वीट, फर्स्ट आपका टी लेटर है देन W है। नेक्स्ट है, द लेटर टी टीम्स अप विद द लेटर W टू मेक अ न्यू साउंड TW एज इन द वर्ड ट्विंस। ये लेटर टी जो होता है वो एक टीम की तरह वर्क करता है विद द लेटर W के साथ टू मेक अ न्यू साउंड, एक नए साउंड को बनाने में, जैसे कि ट्विंस है TWINS, टी की साउंड है, W की भी साउंड है। प्रैक्टिस सेइंग TW बाय रिपीटिंग दिस टंग ट्विस्टर। ठीक है, चलिए हम इस TW वर्ड्स को प्रैक्टिस करते हैं बाय रिपीटिंग हिज टंग, दिस टंग ट्विस्टर, टंग है ना, ये देखिए नेक्स्ट आपका जो ट्विस्टर,
टी डब्ल्यू इसमें साउंड है आपकी. नेक्स्ट है थ्री ट्विक्स ट्विन टाइटली थ्री ट्विक्स. ठीक है दोनों की साउंड हो रही है ट्विक्स. ये आपका ट्विन ये आपका क्या है टाइटली. ठीक है तो ये आपके ब्लेंडेड वर्ड्स हैं जो कि टी डब्ल्यू से स्टार्टेड हुए हैं. एंड स्टूडेंट्स इफ यू विल हैव दी वर्ड्स फ्रॉम टी डब्ल्यू लेटर्स तो जो भी आपके वर्ड्स होंगे स्टार्टिंग में टी डब्ल्यू होंगे और दोनों फर्स्ट लेटर की प्रोनंस और साउंड भी हम हेयर कर सकते हैं वर्ड में. ठीक है सो इट्स अ टुडेज एक्सरसाइज सो लेट्स कंप्लीट इट एंड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ब्लेंड टी डब्ल्यू एक्सरसाइज एंड डू द रिविजन ऑन नेक्स्ट पेज ऑल्सो वॉट एवर आर गिवन देयर. Do practice at home to complete the exercises. Now students, thank you. Have a beautiful day.